काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हम काशी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, जहां देव दीपावली का मुख्य आयोजन होता है। देव दीपावली पर गंगा सेवा निधि की तरफ से इसी घाट पर भव्य महाआरती का आयोजन होता है, गंगा आरती का आयोजन होता है। और इस वक्त हम आपको काशी के इस घाट से ये नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं, किस तरह से कल के लिए घाट सज धज कर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से जो इंडिया गेट की रिप्लिका है, जो मॉडल है, वो तैयार हो रहा है। उसके बाद उधर आप देख सकते हैं दूसरा मंच बन रहा है, पानी पर जो जेट्टी लगाई गई है आने जाने के लिए वो है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने मंच बन रहा है जो गंगा पर बनता है, हर साल बनता है और इसी पर सारे आयोजन होते हैं। आज आप देख सकते हैं 7 ब्राह्मण जो होते हैं नॉर्मल दिनों में वो गंगा आरती करते हैं, लेकिन जो महाआरती होती है उसे करने के लिए 21 ब्राह्मण होते हैं। उनके साथ 42 कन्याएं होती हैं जो रिद्धि सिद्धि के रूप में होती हैं, और ये कन्याएं उन जो गंगा आरती करने वाले ब्राह्मण हैं उनके साथ आगे खड़ी रहती हैं और माँ गंगा क्या पूजन अर्चन करती रहती हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए जहां एक तरफ देश और दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, वहीं कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक और सिने स्टार अनिल कपूर के अलावा कई और सेलिब्रिटी भी बनारस में शामिल होंगे। 84 घाटों की जो लंबी श्रृंखला है वो निश्चित तौर पर कल एक स्वर्ग से कम नहीं लगने वाली है, क्योंकि स्वर्ग का जो अद्भुत नज़ारा होता है वो काशी में देखने को मिलता है। अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय, ये 3 शब्द भी कम पड़ जाते हैं इस नज़ारे के लिए, क्योंकि पूरे घाट को दियों से सजाया जाता है। टिमटिमाते हुए दियों की रोशनी से जब हर कोई मंत्रमुग्ध होता है तो बस यही कहता है अद्भुत है। और अद्भुत इस परिकल्पना को करने के लिए लोगों का हुजूम बनारस में जुटने लगा है, लोग बनारस पहुंच रहे हैं। और जो दशाश्वमेध घाट है उस पर मुख्य आयोजन होना है, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और कुछ जो देश के कोने कोने से लोग आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि होटल, लॉज, नावें सब पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। यानी अगर अब कोई आके अंतिम क्षण में ये कहे कि उसे काशी में देव दीपावली का आनंद लेना है, रुकना है, यह संभव नहीं हो पाएगा। आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं, विदेशी भी पहुंचे हुए हैं, विदेशी पर्यटक भी बैठ के देख रहे हैं, और कितनी ज़बरदस्त भीड़ आज ही आपको देखने को मिल रही है। इसकी कहीं 3 गुनी ज़्यादा भीड़ कल होने वाली है काशी में। जो काशी की जो अर्धचंद्राकार माँ गंगा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से कल दियों से सजेगा, जो घाट होंगे उनको सजाया जाएगा। घाटों की जो पौराणिकता है वो अपने आप में काशी की अद्भुत है। मान्यता है कि लगभग 2500 साल पहले काशी में इस पर्व की शुरुआत हुई थी, जिस वक्त भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया, उसके बाद देवताओं ने काशी में देव दीपावली मनाई थी। और उसी वक्त से इसका जो लगातार चला आ रहा है वो चीज़ें हो रही हैं। और कल सुबह गंगा स्नान भी होगा, उसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियाँ फिलहाल चल रही हैं। और पूरा घाट सज धज कर तैयार हो गया है, और अब अभी से कुछ देर बाद गंगा आरती शुरू होने वाली है। गंगा आरती की बस एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, देश के कोने कोने से, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, विदेशों से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है। अभी ही आप यहाँ पर जो लोग हैं उनकी फीलिंग जान सकते हैं, वो लोग किस तरह का महसूस कर रहे हैं वो जान सकते हैं, क्योंकि काशी में रह कर ही ये सब जाना जा सकता है। काशी के घाट पर रहकर ये सब जाना जा सकता है, देव दीपावली में शामिल होकर ये सब जाना जा सकता है। देव दीपावली की पौराणिकता अद्भुत है, देव दीपावली की फीलिंग अद्भुत है। आप देख सकते हैं घंट घड़ियाल की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, जो मन को एक सुकून देती है, शांति देती है। और इसी सुकून और शांति की तलाश में लोग ना जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन काशी के घाटों पर ये तमाम लोग इसी सुकून की तलाश में, इसी शांति की तलाश में मौजूद हैं। जबरदस्त भीड़ है, और देव दीपावली का आनंद लेने के लिए ये भीड़ काशी में उमड़ी है। जो कल आयोजन है, मुख्य आयोजन, वो इसी घाट पर होने वाला है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। शाम लगभग 5:30 बजे मुख्यमंत्री का काशी आगमन होना है, उसके बाद वो राजघाट जाएंगे, राजघाट पर लेजर शो होना है। लेजर शो के बाद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 10 मिनट का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, राज्यपाल राम नाईक भी उनके साथ रहने वाले हैं। फिलहाल सारे आयोजन के लिए ये स्थल तैयार है, अद्भुत सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, भैया कल कौन सा आयोजन होने वाला है, किसकी तैयारी हो रही है काशी में? जी हम ज़्यादा बता नहीं, काशी में किसकी तैयारी हो रही है?
काशी में ये देव दीपावली जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और ये देव दीपावली की भव्य तैयारी है। ये पूरे विश्व में बहुत ही अद्भुत अलौकिक है और ये काशी का पर्व विश्व में ऐसा कहीं पर्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कहाँ से हैं? मैं यही बनारस में रहता हूँ, दुर्गाकुंड से हूँ। बनारस में है आपने तो बहुत सालों पहले भी देव दीपावली का स्वरूप देखा होगा, तब में और अब में कितना बदलाव है? तब क्या है कि ऐसा ही होता था, बस थोड़ा बहुत क्या है कि पहले इतने मंत्री लोग नहीं आते थे, लेकिन अब क्या है मोदी जी, योगी जी और भी बड़े बड़े नेता जो हैं, देश विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी अब आने लग गए हैं। अब तो कल योगी जी भी आने वाले हैं यहाँ। तो योगी जी आने वाले हैं, आप लोग गंगा सेवा निधि से जुड़े लोग हैं, परिवार से जुड़े लोग हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं उनके लिए? गंगा सेवा निधि ही इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से आयोजन करती है और गंगा सेवा निधि एक संस्था है जो कि अपने तरफ से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के भरपूर कोशिश करती है और इन्होंने बहुत सारे मंत्रियों विधायकों को हर साल बुलाते हैं, इस बार भी बुला रहे हैं। लगभग कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद होती है? करीब कभी 50,000-60,000 ऐसे तो होते ही है, लेकिन इस बार की लग रहा है ज्यादा, क्योंकि गंगा स्नान भी तो है साथ में, तो इसके वजह से बहुत भारी संख्या में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड से लोग आते हैं यहाँ, महिलाएं आते हैं स्नान करने के लिए, लाखों की संख्या में भीड़ होते हैं। अगर इतनी जबरदस्त भीड़ जुटने वाली है, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां रहती हैं? सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन पहले से तैनात होती है, हमारी जो संस्था है वो पहले से पुलिस प्रशासन को सूचना दे देती है और वो लोग मौके पर हर जगह तैनात है, पीछे चौराहे से ही जबरदस्त चेकिंग और सारी चीजें वो व्यवस्था रहती है पुलिस प्रशासन। जिस तरह से इनका कहना है कि सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, प्रशासन को पहले से सूचना दे दी गई है और अब भव्यता बढ़ती ही जा रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, काशी में देव दीपावली का उत्साह चरम पर है और ये उत्साह अभी 2 दिनों तक जारी रहने वाला है, क्योंकि देव दीपावली का आयोजन बृहद होता है, महापर्व है और इस महापर्व के लिए भारी संख्या में लोग काशी पहुंच चुके हैं। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।